नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एमपी करंट अफेयर्स 2019 के बारे में। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था विषय वस्तु, विषय सूची देखी थी कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी अपडेटेड, जो 2019 तक जो अपडेट हुआ है। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, अपडेटेड ये भी है, ठीक है। तो देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। आपको बता दें YouTube प्ले सूची में जाकर, चैनल पर जाकर वहाँ प्ले सूची में एक एमपी करंट अफेयर्स 2019 एमपी जीके बना हुई है प्ले लिस्ट में सूची, उसी में सभी लेक्चर ये पड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ जाके क्रम से देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो हम लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। 10 मार्च 2019 को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ 17वीं लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव, आम चुनाव संपन्न कराए गए। तो आपको याद रखना है 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए, ये 7 चरणों में हुए थे। मध्य प्रदेश में निर्वाचन 4 चरणों में हुए थे। कौन कौन से चरण थे? चौथा चरण, पाँचवा, छठा और सातवा, ठीक। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 29 हैं सीटें, और जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति हेतु और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29, जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, ठीक। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर प्रहलाद सिंह टिपानिया पद्मश्री से सम्मानित हैं को बनाया गया था। तो याद रखना है मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? प्रहलाद सिंह टिपानिया पद्मश्री से सम्मानित हैं। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के निवासी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखने वाले 6 व्यक्तियों को स्टेट आइकॉन आइकॉन के रूप में नामांकित किया गया था। ये 6 व्यक्ति कौन कौन थे? तो बात करते हैं गोविंद नामदेव, ये कहाँ के? फिल्म अभिनेता है, सागर। राजीव वर्मा, ये फिल्म अभिनेता ये भी है, भोपाल। पलक मुच्छल, ये गायिका है, इंदौर। दिव्यांका त्रिपाठी, अभिनेत्री हैं, भोपाल। देशना जैन मिस एशिया डेप हैं, 2018 की विजेता, टीकमगढ़ की हैं। कार्तिक आर्यन फिल्म अभिनेत्रा है, ग्वालियर के, ठीक। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं हम लोग ये मध्य प्रदेश में जो 4 चरणों में चुनाव हुए थे लोकसभा के, इन्हें देखते हैं। चौथा चरण था फर्स्ट दिन, तो ये था 29 अप्रैल को, जहाँ हुआ था सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में। दूसरा चरण था और लोकसभा का पाँचवा चरण था ये 6 मई, इसमें होशंगाबाद, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, बैतूल में हुआ। याद रखिए चरण 4 में 29 अप्रैल को कहाँ कहाँ हुआ था? एमपी में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। और चरण 5 में 6 मई को हुआ, जो होशंगाबाद, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, बैतूल। चरण 6 छठवा 12 मई को हुआ, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। चरण चौथा छठवा हो गया, सातवा 29 मई को, 19 मई को, इसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में हुआ, ठीक है। ये 4 चरणों में हुआ था। बात करते हैं मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन 2019 में 71.10% मतदान हुआ, जो अब तक मध्य प्रदेश में हुए सभी लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान है। इस चुनाव में 73.54% पुरुषों ने तथा 68.64% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। 2014 लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 61.57% मतदान हुआ था। इस प्रकार चुनाव में, इस बार के चुनाव में 2014 की तुलना में 9.53% अधिक मतदान हुआ है। अब बात करते हैं एक क्यूलस ऐप है। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में निर्वाचन आयोग द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया।
इसके द्वारा मतदाता अपनी सुविधा अनुसार पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर मतदान का समय ले सकता है। कौन सा है? क्यूलेस ऐप, ठीक है, याद रखना। अगला है, अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, 2018 में हुए थे, याद रखिए। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है विधानसभा में? 230 निर्वाचित सदस्य, एक नामांकित होता है, ठीक है, 230 निर्वाचित होते हैं, एक नामांकित। सामान्य अनारक्षित कितनी सीटें हैं इसमें? से 148। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, मतलब SC के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? 35। और अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब ST के लिए 47, SC के लिए 35, ST के लिए 47। वर्तमान विधानसभा का क्रम कौन सा है? तो 15वां, याद रखना है आपको। निर्वाचन अवधि क्या है? नवंबर दिसंबर 2018। मतदान कितना हुआ था? 75%। बात करते हैं आगे, निर्वाचन के परिणाम, दल और सदस्य संख्या। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 114। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 109। बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी 2 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 सीट, और निर्दलीय 4 विधायक चुने गए। निर्वाचित सदस्य हैं 230, जिनमें से पुरुष हैं 209, 21 महिलाएं हैं, याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कितनी महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव में, तो आपको याद रखना है 21। सरकार का गठन हुआ है 17 दिसंबर 2018 को। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने कांग्रेस के, नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव भाजपा के, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? गोपाल भार्गव। बात करते हैं राज्यपाल, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है के समान है, ठीक। पूछा जा सकता है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, चिड़िया के समान है, ये कथन किसने कहा था? तो आप लोगों को बताना है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। तथा प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरला गेवाल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला गेवाल। वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? तो याद रखना है श्री लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जस्टिस पी वी दीक्षित, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है श्री हरि विनायक वाटस्कर का, और सबसे छोटा कार्यकाल रहा है जस्टिस पी वी दीक्षित का। बजट 2018-19 में राज्यपालों का वेतन 350,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है था। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे श्री विष्णु विनायक सरवटे, तथा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी श्री भेरूलाल पाटीदार का था उपाध्यक्ष के रूप में। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, आपको याद रखना है 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति। उपाध्यक्ष कौन है 15वीं विधानसभा की? हिना कावरे। अब मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं विशिष्ट तत्व। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रवि शंकर शुक्ल थे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती, ठीक है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल रहा है एक दिन का श्री अर्जुन सिंह का, तथा श्री राजा नरेश चंद सिंह का कार्यकाल 13 दिनों का था, जो प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम आदिवासी, तो राजा नरेश चंद सिंह, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह, जिनका कार्यकाल एक दिन का रहा था, इनके कार्यकाल में 2 घटनाएं घटी। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में महिला दस्यु डकैत फूलन देवी की आत्मसमर्पण की घटना घटी हुई। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे श्री विश्वनाथ यादव राव तमस्कर। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे श्री विश्वनाथ यादव राव तमस्कर। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष थी श्रीमती जमुना देवी। और 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा, ठीक है, बस 1977 में, ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977। दूसरा लगा वर्ष 1980 में, ये लगा था 18 फरवरी से 1980 से 8 जून 1980। और तीसरी बार लगा था 1992 में 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक, ठीक है। अब बात करते हैं अभी जो नया मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ है कमलनाथ का, उसमें किसे कौन विभाग मिला हुआ है। तो श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, इनके अंडर में आवंटित विभाग है औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन विभाग, अप्रवासी भारतीय, अन्य विभाग जो किसी को आवंटित ना हो। दूसरे डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, इन्हें संस्कृति विभाग मिला है, चिकित्सा शिक्षा विभाग मिला है, आयुष विभाग मिला है। तीसरे श्री सज्जन सिंह वर्मा, इन्हें लोक निर्माण विभाग मिला है, पर्यावरण विभाग मिला है। चौथे श्री हुकुम सिंह कराठा, इनके अंडर में जल संसाधन विभाग है। डॉक्टर गोविंद सिंह, इनके अंडर में सहकारिता विभाग और संसदीय कार्य विभाग है। फिर है बाला बच्चन, तो इनके अंडर में गृह विभाग है बाला बच्चन के और जेल विभाग है। श्री आरिफ अकील, इनके अंडर में भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग है। विजेंद्र सिंह राठौर, इनके अंडर में है वाणिज्यिक कर विभाग। श्री प्रदीप अमृत लाल जायसवाल, इनके अंडर में खनिज संसाधन। फिर है श्री लाखन सिंह यादव, इनके अंडर में पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग। आगे फिर है तुलसी राम सिलावट, लोक स्वास्थ्य है इनके अंडर में और परिवार कल्याण विभाग। श्री गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व विभाग है और परिवहन विभाग। श्रीमती इमरती देवी, महिला एवं बाल विकास है इनके अंडर में। श्री ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग है। डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, स्कूल शिक्षा विभाग है। श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा विभाग है इनके अंडर में। श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। श्री उमंग सिंगार, वन विभाग है। श्री हरेश यादव, इनके अंडर में कुटीर ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग है। श्री जयवर्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास विभाग है इनके अंडर में। श्री जीतू पटवारी, खेल युवा कल्याण विभाग है इनके अंडर में और उच्च शिक्षा विभाग। श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है। फिर है श्री लखन घनघोरिया, सामाजिक न्याय, निःशक्त जन कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, संजू भैया, श्रम विभाग है इनके अंडर में। श्री पीसी शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विमानन धार्मिक न्यास एवं धार्मिक विभाग, मुख्यमंत्री से संबद्ध है इनका। फिर है श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है। श्री सुरेंद्र सिंह हनी वघेल, नर्मदा घाटी विकास पर्यटन विभाग है। श्री तरुण भनोत, वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है। ठीक, तो ये था कमलनाथ का मंत्रिमंडल, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में।
हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्ला थे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश के बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ और प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं श्री अजय कुमार मित्तल, याद रखना वर्तमान में है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री एन बी लोहानी थे, वर्तमान में हैं श्री बसंत प्रताप सिंह, 2019 में श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। राज्य का महाधिवक्ता की बात करें, तो प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे श्री एम अधिकारी, वर्तमान में महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर हैं 2019 में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की बात करें, तो वर्तमान मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष अनुसूचित वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह आर और जनजाति आयोग एसटी कमीशन के आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मरावी। तो याद रखने एसटी कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, भूपेंद्र सिंह आर, और एससी के हैं भूपेंद्र सिंह आर और एसटी के हैं नरेंद्र मरावी। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर हैं और जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मरावी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश लोक आयुक्त के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त थे श्री पी वी दीक्षित। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त थे श्री आर जे भावे। मध्य प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त हैं श्री नरेश कुमार गुप्ता, दो उप लोकायुक्त भी हैं श्री नंदन दुबे और एस के पालो, ठीक है। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, श्री नरेश कुमार गुप्ता। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश लोक आयोग के अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे DV रेगे, कौन सा DV रेगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री भास्कर चौबे। वर्तमान में MPPSC के चेयरमैन कौन है, भास्कर चौबे, आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग, तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे श्री सवाई सिंह और इसके 5वें अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, जिनका कार्यकाल 2 मई 2019 को पूर्ण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राज्य महिला आयोग के बारे में। राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्रीमती लता वानखेड़े। तो याद रखिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कौन है, श्रीमती लता वानखेड़े। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, नियाज मोहम्मद खान। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नियाज मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के हैं शकील चिंदना। राज्य सूचना आयोग हैं श्री अरविंद शुक्ला। मुख्य सचिव हैं श्री सुधीर रंजन मोहंती। मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासन की बात करें, तो संभाग है सबसे पहले डिवीजन, अनेक जिलों का समूह है। उच्च अधिकारी है यहाँ का संभाग आयुक्त। फिर है जिला, अनेक विकास खंडों का समूह है। उच्चतम जिला अधिकारी है जिला आयुक्त, ठीक है। फिर आता है ब्लॉक, विकास खंड, तो इसमें अनेक तहसीलों का समूह होता है। उच्चतम अधिकारी होता है उप जिला आयुक्त SDM। तहसील, ग्राम पंचायतों का समूह होता है। उच्चतम अधिकारी होता है तहसीलदार, ठीक है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पार्ट, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था देख ली, 2019 तक हम लोगों ने पूरा अपडेट दिसंबर तक करके देखा है, इसे याद रखना, ठीक है।
अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंचाई एवं बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं की, 2019 तक अपडेट इसे भी देखेंगे, ठीक है, 2 दिसंबर